एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की न्यूज कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 54। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का भी न्यूज कैप्सूल। जबरदस्त खबरें लेकर आ गया हूं आपके लिए। पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या खबरें रही, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। उसके लिए हमारे न्यूज कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल की दी ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस। आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 5 दिनों के अंदर कल दूसरी बार कोविड 19 के जो मामले हैं वो 50,000 से कम देखने के लिए मिले और जिनकी संख्या 48,698। और दोस्तों कोविड 19 से 1,183 लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवाई। पूरे देश भर में ये जो कोविड 19 का ये जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये अपनी गति पकड़ रहा है। अब दोस्तों तमिलनाडु में भी कोविड 19 के इस डेल्टा वेरिएंट से एक मौत हो चुकी है और दोस्तों अब तक मिले हैं तमिलनाडु में 9 ऐसे केस। तो असम की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जिन लोगों ने कोविड 19 की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है उनको अब नहीं करवाना पड़ेगा, उनको कोविड 19 की जो टेस्ट है उनको नेगेटिव नहीं दिखाना होगा। दोस्तों एक स्टडी बताती है कि जो कोविड 19 की तीसरी लहर आने की आशंका है ये दोस्तों इसकी जो गति होगी या इसके जो इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं वो दूसरी लहर से कम होगा। को बता दूं दोस्तों इजराइल में एक बार फिर जब डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ना शुरू हुए तो फिर से जो बंद जगह है वहां पर लोगों को मास्क पहनने को कहा गया। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने यह बताया है कि शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो हमारी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी योजना सामने आ रही है जो कोविड 19 से मदद करने वालों को भारत सरकार ने टैक्स में जो है कटौती देने की घोषणा कर दी है। तो BCCI के सचिव ने अब यह बताया है कि कोविड 19 के इफेक्ट के कारण अब UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कराया जा सकता है T20 विश्व कप। दोस्तों जो पूर्व टीकाकरण जो करवा चुके हैं लोग, दोनों टीकाकरण भी करवा चुके हैं, वो मास्क पहनना जारी ही रखें, ऐसा अब डेल्टा वेरिएंट के जो अब बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है उसके प्रसार पर कहा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दोस्तों एक अध्ययन ऐसा बताता है कि जब कोविड 19 की ये जो दूसरी लहर अपनी पीक पर थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 15% ऑक्सीजन बर्बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यह बताया है कि अब तक कोविड 19 के सभी वेरिएंट्स में ये जो फैले हुए हैं उसमें सबसे खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों हमारी एक बड़ी रोचक घटना आ रही है US से। आपको बता दें एक ग्राहक ने 2800 के बिल पर US में छोड़ी है 11.8 लाख की टिप और उस होटल के मालिक ने शेयर की बिल की फोटो। तो PIB फैक्ट चेक ने बताया ये जो महात्मा गांधी की जो फोटो होती है उसके पास में जो एक स्ट्रिप होती है उसको उस नोट को फर्जी बताने वाले एक पोस्ट का जो है दावा वो गलत है, ये भी नोट मानने माना जाएगा। दोस्तों आपको मैंने अपनी कल की खबर में बताया था मैकेफी की मौत के बारे में और दोस्तों इसकी मौत के बाद इंस्टाग्राम पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हुआ लेटर सिर्फ Q और दोस्तों उसके बाद उनका अकाउंट डिलीट भी कर दिया गया। दोस्तों आपको तो पता होगा ये जो तावते तूफान आया था मुंबई में इसी साल इसने खूब सारी तबाही मचाई थी, इसमें एक टगबोट डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई और इस पर अब केस दर्ज भी हो गया है। दोस्तों आप तो जानते हैं सरकार ने अपने नए IT कानूनों को लागू कर दिया है और ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए लागू हुए हुए हैं और दोस्तों इसके तहत ये जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह हैं और मीडिया समूह हैं ये जो है सेंसरशिप होने की बात बताई जा रही है। तो इसको लेकर 13 मीडिया समूह जो है कोर्ट में जा चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इन ये जो नियम है इनको लागू करके इनकी आज़ादी पर आज़ादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है।
दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने जून 24 यानी कल लॉन्च कर दिया अपना विंडोज 11 और दोस्तों इसमें भरपूर फीचर हैं, सिक्योरिटी के भरपूर फीचर्स, कस्टमाइजेशन के, यूआई के जो टास्क बार होगा वो भी आप बीच में दिखाई देगा, बाकी ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स उन्होंने ला के दिए हुए हैं। और दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि ये जो विंडोज 10 के यूज़र्स होंगे इनको जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा तो उसके कुछ समय बाद विंडोज 10 के यूज़र जो होंगे उनको भी विंडोज 11 का फ्री अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों विंडोज 10 के ये 6 साल बाद इन्होंने विंडोज 11 का लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों इस दिखावे भरी दुनिया में सादगी से बड़ा भरपूर उदाहरण देते हुए साइकिल से ऑफिस जाते 1.1 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक पाई चौकी और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अरबपति कहलाना पसंद नहीं है। दोस्तों एक फ्लाइट में अमृतसर से दुबई एक अकेले शख्स जाने वाले एसपी सिंह ने कहा है कि मुझे इस फ्लाइट में अकेले बैठकर महाराजा जैसा महसूस हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। आपको बता दूं हमारी आखिरी खबर बहुत ही अच्छी आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2000 से ज्यादा नव नियुक्त जो शिक्षक होंगे उनको टैबलेट देगी दिल्ली सरकार। दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये न्यूज़ दोस्तों अच्छी तरह लग रही है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे एक्टिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टिवेशन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।